जाएंगे चिंता कर।
ब्राह्मण भोजन सेवा है प्रभु जी। बोलो तो सब दो सब आपके तो ज्यादा डाउन पड़े खाली हाथ सुखावा भी नहीं मिला जो उसका खुशी हो वीडियो किस पे आती है राधा नुपुर दासी राधा नुपुर दासी ब्राह्मण भोजन सेवा फोटो नहीं फोटो नहीं ले रहे पिक्चर नहीं दारू भैया की पिक्चर फोटो नहीं फोटो कॉपी प्लीज ये इंग्लिश जी बलराम कृष्ण हाँ बलराम भैया जन्मस्थान Thank you.
जा रहा हूँ, मैं बजा के जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अब लोग सब सीधे आ बैठ जाए, सीधे आ बैठ जाए, बैठ जाए। अब लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में परिक्रमा करते हुए जहाँ आए हैं, इस स्थान का नाम गोकुल महावन, यहीं पर कृष्ण का नरवत लीला के अनुसार जन्म माँ यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ था। अब एक ही समय पर कंस के जेल में देवकी वसुदेव के समक्ष देवकी नंदन प्रकट हुए थे। फिर उनको बोला, तुम लोग मेरा बर मांगो, तुम लोग मेरा पहले पहले भी सेवा की, तुम लोगों ने मांगा था मेरा जैसे पुत्र, मेरा तो समान कोई है नहीं, मुझे आना पड़ा, तुम बर मांगो। वसुदेव महाराज देवकी की ओर देखने लगे, तब देवकी ने बताया, नन्ने मन्ने बच्चे बन जाइए ताकि कम सके सब रक्षा कर सके। ठीक है, छोटे बच्चे बन गए, बताया मुझे गोकुल महावन में रख के आओ, यहीं पर ले आए थे। और टीकाकारों ने बताया, ये जब वसुदेव महाराज अपने बेटा को रखा, ऑलरेडी उधर नंदन नंदन थे, नंदन महाराज के बेटा, उनको अपने अंदर मिला लिया, योग माया के प्रभाव से वसुदेव महाराज भी समझ ना सके। और उधर प्रसूति गृह में केवल माँ यशोदा बेहोश जैसी पड़ी हुई थी, अधेड़ उम्र में बच्चा होने के कारण लेबर पेन से बेहोशी पड़ी थी, उनको पता तो था बच्चा हुआ, बच्चा हुआ बच्ची एक या दो ये पता नहीं था। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्लोक में बताया कि देवकी नंदन यशोदा नंदन के अंदर मिलके एक है, डायरेक्ट श्लोक में बताया, भागवत डायरेक्ट नहीं है, टीकाकरण ने बताया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्लोक में बताया। और यही पर दापर युग से ही भवन है, अब इस स्थान की महिमा श्रीधर भाई वर्णन करेंगे। जब यदि कोई ये गिनना चाहते है चौदह सौ, कौन जाएगा गिनने के लिए? और एक जाओ साथ में, चौदह सौ खंबा बता दो, जाओ गिन जाओ, हरि बोल। ओम ज्ञान तिपिरां दस्त ज्ञानार्जन शलाकया चक्षोरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभाधि बोलो बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे इधर हमारे पांडा जी है, आप लोग जाने के पहले पांडा को थोड़ा थोड़ा प्रणाम ही देंगे। कहा पांडा जी? प्रवचन के बाद आपको देंगे। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में त्रिधाम वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये स्थान का नाम है गोकुल। गोकुल मतलब क्या होता है? गो मतलब होता है इंद्रियां, गो मतलब गोपी, गो मतलब ग्वाल बाल, गो मतलब भेज, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब गैया, और गोप है कुल मतलब जहाँ की समूह रहा करते थे, इसलिए स्थान का नाम गोकुल है। उदाहरण दिया जैसे कि कमल फूल है, कमल फूल का कर्णिकार होता है पर उसको पंखुड़िया भी होती है, इसलिए कि जो स्थान है ये जो गोकुल है ये एक कमल फूल का भांति ये कर्णिकार है। अभी कहते कृष्णा यहीं पर कृष्ण जन्म हुए, लेकिन अगर साधारण जो लोग डायरेक्ट भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं उनका अगर पूछोगे भैया कृष्ण कहाँ जन्म हुए हैं, अरे बोलो मथुरा में। इसलिए साधारण लोगों को पूछोगे ना कृष्ण कहाँ जन्म हुए, सबके सब बोलेंगे कहाँ कृष्ण जन्म हुए, मथुरा में जन्म हुए, मथुरा में जन्म हुए।
लेकिन कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। और कृष्ण जन्म हुए कहाँ पर? कृष्ण यहीं पर ही जन्म हुए, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो मतलब किसका आनंद भयो? जसोदा का, जसोद नंद का आनंद भयो ना वसुदेव का आनंद भयो? दुनिया कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल है। अभी प्रश्न है, बोले सारा दुनिया कहते हैं जो भागवत डायरेक्ट पड़ेगा, बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हो जन्म हुए, आप कैसे गोकुल में जन्म हुए कैसे कहते हो? कहते हम नहीं कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत कहता है। बोले भागवत में कहां कहां पर बोले हैं? तो गुरुदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है, कहते गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, कौन कह रहे हैं गोपी गीत? ये ब्रज गोपियां और श्री राधा रानी कह रहे हैं। राधा रानी तो कभी गलती बोलेगी ना? गोपियां कभी गलती बोलेगी नहीं। इसमें देखो गोपी गीत का पहला श्लोक है, बोले जयती प्रजा श्याम सुंदर, जब से तुमने ये ब्रज में गोकुल में जन्म हुए हो तब से ये ब्रज की जय जयकार हो रहा है, जय जयकार ये गोपियां कह रहे हैं। फिर और कौन कहते हैं? जब से गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए, गर्गाचार्य वसुदेव महाराज का पुरोहित है गर्गाचार्य, जब उन्होंने यहाँ पर उन्हें नामकरण करने के लिए आए, जब उन्होंने कृष्ण का पत्रियों को देखा, जन्म पत्रियों को, ये गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा है, ये गर्गाचार्य स्वयं कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जाता तबात्मज, कहते बेटा किसके हैं? बोले तबात्मज, ये तेरा बेटा है, ये वसुदेव के नहीं। हाँ कोचित जाता, क्योंकि जब श्री गर्गाचार्य आ रहे थे नामकरण करने के लिए, उसी समय वसुदेव महाराज बोले, बोले हे गर्गाचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टा सब जानते हो, कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए और मैंने वहां जाकर गोकुल में रह करके आया, आप सब जानते हो, क्योंकि जो बचपन में जो एक बार नामकरण हो जाता है ना, फिर उसी नाम से बुलाते हैं। कहते भैया जब नाम रखना, एक नाम मेरे साथ में जुड़ा हुआ भी रख लेना, इसलिए बोले कोची जाता तबात्मज, ये आत्मज तेरा है, लेकिन ये कभी वसुदेव का लाला भी भयो है, लेकिन लाला किसका? बोले तुम्हारी। तीसरा श्लोक है, पितामह ब्रह्मा जी, जिस समय पितामह ब्रह्मा जी कृष्ण को स्तुति करते हैं, वो स्तुति का जो पहला श्लोक है, बोले नो मिट्यते अभ्रबभु से तरिताम्बराय गुंजाब तंस परिपीछ लसात मुखाय, इसलिए कहते वन्य सजे विशाल वेणु पशुपांग जाय, वो कहते हैं ये कौन है? पशु मतलब जो पशुओं को चराते हैं, गैया को चराते हैं, वसुदेव महाराज थोड़ी गैया चराते थे, गैया कौन चराते थे? नंद बाबा गैया चराते थे, इसलिए ये कौन है? पशुप मतलब पशु पर जो पशु को पालन करते हैं उसकी अंग से आत्मगत जाए थे पुत्र, पुत्र आत्मा आत्मगत होता है, इसलिए किसका बेटा है? बोले नंद के लाला। जब श्री सुखदेव गोस्वामी आठवें श्लोक में, सुखदेव गोस्वामी उन्होंने कृष्ण का जन्म महोत्सव का वर्णन किया, इसका पहला श्लोक सुनो, कौन कह रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी आठवें श्लोक का पहला श्लोक कहते हैं, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद मामना, हैं कहते हैं आत्म नंदस्तु आत्मज, कहते किसका बेटा? बोले नंद का आत्मज है, जो आत्मा से जन्म हुआ, कौन? बोले ये कृष्ण का नहीं आ, जिसके नंद बाबा की आत्मा से जन्म हुई, कौन कह रहे हैं? बोले सुखदेव गोस्वामी। लेकिन ऐसे ऐसे श्लोक है जो एक श्लोक को लेकर के प्राय करके जो मथुरा वासी व साधारण रूप में जो भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं, कहते कृष्ण तो वसुदेव का बेटा, बोले क्या प्रमाण है? देखो ये कौन कह रहे हैं? मैया कुंती कह रही हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कौन कह रहे बोले माँ तुप्ती कृष्णा, इसलिए कृष्ण की बुआ कह रही है। उसमें बताया वासुदेव आय, बोले यहाँ तो लिखा हुआ वासुदेव। देखो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको बड़े सुंदर टीका करते हैं, बोले कृष्णाय, बोले कृष्णाय मतलब जो कृष्ण की उपासना करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान, लेकिन उससे भी ज्यादा सौभाग्यवान कौन, बोले वासुदेव। क्योंकि वासुदेव आय, कृष्ण का नाम वासुदेव, वसुदेव का बेटा वासुदेव है, इसलिए कहते उनसे ज्यादा वसुदेव महाराज। लेकिन यहाँ पर जो वसुदेव महाराज बताया, लेकिन कौन सा वसुदेव महाराज के लिए बताया, बोले जो आठ वसु है, आठ वसुओं में जो सर्वश्रेष्ठ वसु है, जब श्री नंद बाबा जन्म हुए इनके अंदर में ये तदात्म होकर के आए। जैसे द्रोण और उद्धरा इन दोनों ने ब्रह्मा जी की उपासना की, जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले बरमागो, बोले मेरे को ये बर दो। जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा मैया की कोख से जन्म लेता है, हमारी कोख से जन्म ले, जैसे माँ बच्चे को झूला में झुलाती है, हम भी कन्हैया को झूला में झुलाए। जैसे मैया अंगुल पकड़ा करके ठुमुक ठुमुक करके लाला को चलाना सिखाती, हम भी चलाए। जब बच्चे कोई उत्पटन करे, नटखट करे, जैसे मैया कभी कभी कान मोड़ देती है, कभी कभी डांटती है, डपटती है, उखल में बांध देती है, हम चाहते हैं ऐसे ही कृष्ण हमारी लाला बन करके आए, हम ऐसे ही बात्सल्य रस से उनको उपासना करें। अब ब्रह्मा जी मन तथास्तु बोले, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले वासुदेवाय, बोले वासुदेव किसको बोल रहे हैं, बोले अष्टम वसु तदात्म होकर के आए। कोई बोलेगा आप तो उल्टा पुल्टा अर्थ लगा रहे हो, देखो उसको क्लियर करते हैं, फिर दूसरे पद में क्या बोलते हैं, बोले नंद गोप कुमार आय, क्लियर किया। अगर कोई इसको वसुदेव नंदन नहीं मान ले, इसलिए अगले पद में कहते हैं कौन है, कहते नंद गोप कुमार आय, ये नंद के लाला है, इसलिए गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हमारे भागवत में बहुत सारे श्लोक है, जिस श्लोक में कहते कृष्णा यहीं पर ही नंद के लाला मैया का दुलाला बन करके कृष्ण यहीं पर जन्म हुए हैं। इसलिए हमारे कवि कर्णपुर बड़े सुंदर, उन्होंने आनंद वृंदावन चंप में जीव गोस्वामी गोपाल चंप में बड़े सुंदर वर्णना करते हैं। कहते श्री परजन महाराज के पांच बेटे थे, हाँ उपानंद सुनंद नंद अभिनंद नंद, लेकिन सबका तो बच्चा थे, लेकिन नंद बाबा का घर में कोई लाला नहीं, इसलिए उन्होंने आशीष स्वरूप उपासना की है, मेरे का नाती हो, आकाशवाणी हुई तुम्हारी ऐसे एक नाती जन्म लेगा जिस तुम्हारी वंश का परंपरा की बड़े जय जयकार होने वाले, तुम्हारे नाम भी जगत में ख्यात होगा है। अभी श्री नंद बाबा यशोदा ने देखा, हमने सारे व्रत करके देख लिया, कितने यज्ञ कितने दान पुण्य किया, लेकिन अभी तक घर में हमारे कोई लाला भयो नहीं, इसलिए उन्होंने बोले सारे व्रत तो किए, लेकिन अभी तक एक व्रत नहीं किए जो एकादशी व्रत है, जो पुत्रदा एकादशी है, जो पुत्र प्रदान करती है। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत की, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने बड़े सुंदर स्वप्न देखे, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांतस्थले वयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयम लोकते। अक्सर करके ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न अक्सर सही हो जाता है। अभी जब स्वप्न देखा, इतने में दोनों का आंख नेत्र खोली गई, इतने में जसोदा बोली नंद को, मैंने एक महल महल बड़ा सुंदर मैंने एक स्वप्न देखी, नंद बोल मैंने भी एक स्वप्न देखे, पहले तुम बताओ तुम क्या स्वप्न देखे हो। उन्होंने देखे मैंने स्वप्न देखा है आकाश में बिजली चमकते हुए एक श्याम रंग का है, एक श्याम रंग का बालक, उसको पीछे चमचमाते हुए बिजली जैसे चमचमाते हुई एक लाली को हमने दर्शन किया, और दोनों ने नंद बाबा के हृदय में प्रवेश करते हुए श्री यशोदा के हृदय में प्रवेश किया है। और हमने देखा नंद बाबा कह रहे तेरी गोद में एक श्याम सलोना सा बड़ा सुंदर बालक कौर रहा है, और तुम्हारी स्तन पान करते समय उनकी दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था, हमको स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरे गोद में एक लाला है। अभी जसोदा बोली मैंने भी देखा, क्या देखा, बोले एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते मेरे कपड़े पकड़ करके बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को दूध पिला दे, मचल रहा था। सचमुच से उसी रात में ही मैया जसोदा ने गर्भधारण की, और सारा दुनिया ब्रज में हल्ला हो गया, हमारी नंदरानी
बालक जन्म देने वाले और जितने ब्रज गोपियां थी ना वो छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज के लेगा सुंदरी बना कर रखी और जितने सब ब्रजवासी पुरुष लोग सब बगल बंदी और धोती बड़े सुंदर पगड़ी बांध कर रखे बोले लाला होगा तो हम बधाई देने के लिए जाएंगे। अरे ब्रज में जय जयकार हो रहा है नंद के लाला होने वाले हैं। वर्णना करते गर्भ का कुछ चिन्ह दिखाई पड़ा माता लोग को पता होगा गर्भ में कुछ चिन्ह दिखाई पड़ा उनकी इतने मेरे को होठ है ना होठ पीली पीली दिख रही थी। एक ने कहा लगता है तेरे गर्भ में लाला होने वाला है। बोले तेरे को पत्तों कैसे पड़ो बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है इसका मतलब है लाला होने वाला है। एक गोपी ने बोली तुमने कुआरी पड़ी में चूरमा केले तो नहीं खाई बोले क्यों बोले लगता है तेरे गर्भ में दो बच्चे है एक सचमुच कृष्णा और एक जोग माया थी। जैसे रुद्रजामल में ये श्लोक है सुना बोले जसोदा नंद पत्नी चे शंकर जी स्वयं कहते पार्वती को पार्वती मैंने ये बात को देखी है बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुबाते समम तदा गोकुलाष्टपुमान भवान गोविंदम सांबिका मथुराम गता है। शंकर जी कहते हैं मैंने देखा है जसोदा नंद पत्नी च सुसुबात समम तदा एक साथ में उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया पहले तो कृष्ण को जन्म दिया उसको बाद में जोग माया को जन्म दिया और जो सांबिका मतलब जो अंबिका उन्होंने मथुराम गता इसको वसुदेव महाराज ने इसको मथुरा में ले गए। कौन कह रहे हैं ये स्वयं श्री शंकर जी कह रहे हैं। हरिवंश पुराण में भी है वहां पर भी एक श्लोक मेरा ठीक से याद नहीं आ रहे वहां पर भी एक श्लोक दो श्लोक है जहाँ पर प्रमाणित कहते हैं नंद बाबा के घर में दो संतान जन्म हुए हैं। अभी संतान जन्म होने वाले अब देखना गर्भ में बच्चे होना माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती है। मैया बोली मेरे को खीर खाने की इच्छा कर रही है तो उन्होंने खीर बना करके श्री शालग्राम को भोग लगा करके मैया को भोजन कराए। लग रहा है आज रात को ही घर में किसी बच्चा का जन्म हो जाएगा है। ब्रज में तो 8 बजे तक जगे रहे थे उसके बाद में सो जाते थे ऐसे नहीं अभी का समय नहीं 1-2 बजे तक टीवी देखो और सो 8-9 बजे तक इसलिए पहले था इसलिए सबके सब पहले 8 बजे सो जाते थे ब्रह्म से उठ करके अपना भजन पूजा करते थे। बोले देखो एक काम करो 2-2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो पता नहीं लगता है आज ही बालक का जन्म हो जाएगा। और नंद बाबा का जो बहन सुनंदा थी ना वो तो 6 महीना पहला बोले भैया का बच्चा होगा ना मेरे को नवला की हार लगी है। अभी 2 घंटा तक तो जो 8 से 10 बजे तक जो बैठे थे वो तो कीर्तन किए लेकिन 10 से 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगवाया ना जो माया आया और सबको सुला दिया पता नहीं कब बच्चा जन्म हुआ कब वसुदेव महाराज लाला को लाए और यहाँ रख कर कभी यहाँ पर कितने बच्चे हुए कृष्णा और श्री जोग माया। प्रश्न आपको महाराज बता रहे थे ना प्रश्न होगा और एक लाला गया कहाँ तो वहाँ कहते हैं मेघे सौदा में नहीं जाता वहाँ पर और दूसरे श्लोक में जैसे आकाश में बिजली चमकती है चमकते हुए जैसे अंतर ध्यान हो जाती है ठीक उसी तरह जो गोकुल में जो कृष्ण जन्म हुए जो पूर्ण कृष्ण मथुरा से वसुदेव महाराज जो कृष्ण लाए वो अंश कृष्ण ये पूर्ण कृष्ण ने अंश कृष्ण को उन्होंने तदात्म कर लिया अपना शरीर में मिला दिया लेकिन ये बात वसुदेव महाराज को उन्होंने पता नहीं चला तब तो उन्होंने वहां से बेटी को लेकर चले गए। अभी सबके सब सोए पड़े थे अभी सबसे पहले सुनंदा की सबसे पहले आग खोली बोले क्यों बोले नवला की हार के चक्कर है भैया से मिलेगा इसने सवेरे सवेरे उसकी नींद खुली बोले भैया सबके सब सोए पड़े हुए भाभी का क्या हालत है दरवाजा खोल कर देखा ना श्री मैया की गोद में किलकारी मारते हुए इंद्रमल नीलमणि जैसे एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया अगर अब सबसे पहला ये खबर नंद बाबा को देखे तो मेरे को नवला की हार मिलेगी भैया कहाँ पर है बोले भैया कहाँ पर ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में बैठे करके माला सटका रहे माला तो नहीं हो रहा था सोच रहे छोरा का वही गो छोरा का वही गो लाला का वही गो माला जब कर रहे थे इतने में सुनंदा ने आ करके बोलते बोले भैया कमाल है गयो हे एक कमाल हो गए जो बोले छलांग लगा दियो बोले बहनी कहा भाई हो बोले पहले बताओ 6 महीना पहले से मैं बैठ गई हूँ नवला की हार लेने के लिए बताओ मेरे को मिलेगा क्या बोले ले नवला की हार तू ले ले बोले भैया इसलिए
बोले 6 महीना पहले बोले ले ले, बोले भैया बात इतने बड़ी बात है ना, है इतने बड़ी बात है जिसको सामने नवला की हार भी पछो ना, बोले क्या नवला की हार है तेरे को बताए नवला की हार, बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है बताओ और क्या दोगे, बोले ले जमुना किनारे पर जितने जमीन जगह थे ना भैया चलते तेरे नाम पर लिखवा दिया, और क्या चाहिए, बोले ये भी सबसे काफी नहीं, बोले क्या बोल रहे हो सारी जमीनी जगह दे दे, बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी बता और क्या मिले, बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले जो इच्छा खोल कर ले ला, लेकिन बताओ तो सही घर में कहा भयो है, बोले भैया तेरे घर में और एक बात सुना, नंद बाबा ने वहीं से भगे, वहीं से जब भगे सबसे पहले जब लाला के उन्होंने मुख दर्शन किया, देखो गुरुदेव और एक अच्छी बात बताते हैं श्री विश्वनाथ चक्रव ठाकुर की, देखो ये बात को ध्यान देकर सुनो, कहते हैं आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए हो, किसने किसने बच्चे जन्म अरे हाथ उठा सर्वाधिक देखना कृष्ण गोकुल में जन्म हुए इसका क्या प्रमाण, गुरुदेव कहते थे जब माताएं बच्चों को जन्म देती हैं माँ की पेट को साथ में नार लगी हुई रहती, नार लगी हुई रहती कि नहीं, उसको कट काट जाती है, वो नार काटने से पहले जो दान है उसको अक्षय दान कहते हैं, नियम है नार काट जाने से पहले ये जो दान की जाती है वो अक्षय दान है, इसलिए नंद बाबा ने देखा अभी नार काट नहीं गई, अभी लाला जन्म हुए आप लोग भी सुन लो गोकुल भाई, आप कृष्ण के यही भर जन्म हुए, कितने गोस्वामी लोग कितनी अच्छी बात कहते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई भी ब्रजवासी, कोई भी ब्रजवासी कभी ये नहीं स्वीकार कर सकते है कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, कोई भी ब्रजवासी, बोले क्यों, कहते हमने अपना आंखों से देखा है जब मैया ने बच्चा जन्म दी जो बड़ी बूढ़ी होती है अपना हाथों से नार काटती है, कहते हमने आंखों से देखा नार को हमने स्वयं काटी, अब तुम कह दो कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, कहते हैं जो बोलते कंस की सब कृष्ण मथुरा में जन्म हुए सब कंस के चले कहते थे सारे ब्रजवासी बोलेंगे कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, बोले गोकुल में जन्म हुए, क्योंकि ये पहले इधर नित्य पिता माता हैं, लेकिन जो द्रोण और धरा जब उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा को उन्होंने तथास्तु बोले, फिर इन्होंने नंद यशोदा में तदात्मा होते हुए मिल करके उन्होंने वात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन की, जब उन्होंने गोपियों ने अभी कृष्ण जन्म हुए पूरा ब्रज मंडल में नौता भेज दिए, जितने गोपियां गोप थे ना दूध थे एक दूध दही सर पर रख करके कान में कुंडल पहनते हुए सबके सब लेकर के आ रहे हैं, जब आ रहे हैं कान का कुंडल जोर जोर से हिल रहा था, बोले क्यों, बोले तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो हम जा करके पहले बधाई दे, और जितने सबके सब गोप लोग थे हैं सबके सब आए, जितने गोप लोग थे नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, जितने गोपियां थी सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो जोर से, बोले मैया जसोदा बधाई हो, बोले बधाई हो बधाई हो, ब्रज की गोपियों ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है, ये लाला मेरो नहीं ये लाला तुम लोग को लाला है, और जितने गोपियां थी ना बोले जुग जुग जी ओ कर्णपुर वर्णना करते हैं सबके सब आ गए, लेकिन अभी तक केवल दो व्यक्ति नहीं आए, कौन, एक वृषभानंद महाराज कीर्ति के मैया, ये आ जाए ना उत्सव प्रारंभ होगा, देखते देखते दोनों भी प्रवेश किए, जब प्रवेश किए इतने में नंद महोत्सव प्रारंभ हुआ, जब प्रारंभ हुआ उसी समय में इतने दूध दही मक्खन लाए हुए थे वहां पर नंद बाबा का जो आंगन है पूरा दूध दही से भर गया, ऐसे लग रहा था
मानो एक खीर समुद्र प्रकट हो गया। और नंद बाबा देखने में कैसे बड़े गौरव वर्ण के, बड़े लंबे चौड़े हैं, और उनके फेटे जो कमर में बांध कर रखे थे उनको पकड़ करके बीच में ले आए। जब बीच में ले आए, कवि कर्णपुर कह रहे हैं समुद्र मंथन हमें सुनते हैं, लवण समुद्र मंथन हुई, और वहां से सबसे पहले हलाल बीच निकला, जिसको श्री भोले बाबा पान किए, तो उनका नाम पड़ गया स्वर्ण नाम पड़ गया। लेकिन कहते यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे खीर समुद्र है, मानो यहाँ पर ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। नंद बाबा जैसे मंदराचल पर्वत है और दोनों तरफ में उनको फेटे बांध कर रखे थे, एक तरफ में नंदगांव का ब्रजवासी, दूसरे तरफ में बरसाना का ब्रजवासी, दोनों तरफ में दोनों पकड़े हुए। कहते वहां पर जो देवता दैत्यों ने मंथन किया था, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी देवता दैत्य, लेकिन यहाँ पर ब्रजवासी संपूर्ण रूप में निर्गुण है। और सबसे पहले वहां पर बीस निकला और 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नंदस्तु आत्मवद जाता लाद महाबना, यहाँ पर स्वयं आनंद कंद कृष्ण यहाँ पर जन्म हुए। वहां तो 14 रत्न निकला, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा क्रीड़न अभूत निरप, हे परीक्षित महाराज, नंद बाबा ने इतने धन दौलत हीरे जवाहरात को दान किया, ब्राह्मण लोगों तो गठली बांध कर ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोण से बिखर भी जा रहा था, ऐसे लग रहा था मानो ब्रज में कृष्ण जन्म लेने पर साक्षात माँ लक्ष्मी राधा रानी अली गलियों में नृत्य कर रहे हैं। वहां पर शंकर भी आए थे, शंकर तो चक्र में पड़ गए, बोले क्यों, बोले 20 लाख गैया दान किए। शंकर जी ने देखा भैया मेरे नंदी को अगर गैया मान कर दान दे देंगे फिर तो मैं कैसे जाऊं, इसलिए उन्होंने नंदी का पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए, मेरे नंदी नहीं चली जाए। फिर वहां पर बोले हाथी घोड़ा पालकी, इतने हाथी घोड़ा दान दिए, माँ पार्वती भी आई थी, उनका भी 2 लाला है, कौन है, एक है कार्तिक एक गणेश, अभी मैया वो भी चक्कर में पड़ गई, बोले क्यों, बोले मेरे लाला जो गजानन है, हाँ गजानन, इतने हाथी दे रहे थे, अगर मेरे गजानन को अगर हाथी मार कर दे दिया मेरे लाला ही चला जाएगा, अपना लाला को गोद में लेकर के बड़े जोर से चुपचाप कर गई होगी। वहां पर भी कुबेर भी आए थे, कुबेर ने जब देखा दान पुण्य, इतने में कुबेर का सर भी लज्जित हो गया, वो भी अपना सर को नीचे कर दिया, बोले बेकार मेरे को कुबेर बनाए, आज नंद बाबा जो दान कर रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतना धन दौलत नहीं है। इसलिए कृष्ण यहीं पर बड़े धूमधाम से नंद के आनंद खड़े हो जाइए, सब जाते समय दे जाएंगे। अब सुनिए, महाराज ने बताया ना पुत्रदाय का तो सी किया था, एक इधर आए बड़ोत से दधा खड़े हो जाओ, देखो महाराज जी पुत्रदाय का तो सी किया, जैसे मोटे से मोटा बेटा हुआ। हाँ पंडा जी का सब देते जाइए कुछ, एक भक्त ने जप माला खो दिया, इधर ही अंदर कहीं गिरा है, इसको मिनाए तक कृपया दे जाए, एक भक्त का जप माला कहीं गिरा दे जाए, अब कहाँ जाना है, अभी तो राबल जाना है, अंतिम है। रमण रेती नहीं जाएंगे, रमण रेती Yeah.
फटाफट अच्छा दे दिया।